हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 15 फरवरी 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम गुरुजी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, इसकी लिंक भी नीचे दी गई है। आगे जानकारी दूंगा हमारे कोर्सेज और प्रिंटेड नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए हमारे प्रिंटेड नोट्स की प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। 20 फरवरी को इन नोट्स को लॉन्च किया जाएगा, तो 20 फरवरी तक आप इनको केवल 998 रुपये में प्राप्त कर पाएंगे। ये आपको फ्री होम डिलीवरी की जाएगी। सभी सब्जेक्ट्स जो प्री में आते हैं, सभी के नोट्स हैं नए सिलेबस के हिसाब से। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर भी आपसे अपडेट किया जाएगा। ये हमारा कोर्स है। कोर्स में आप 300 से ज़्यादा वीडियोस, पीडीएफ और 11,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको। इसके अलावा ये जो प्रिंटेड नोट्स हैं, ये फ्री इसमें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये ऑफर भी 20 फरवरी तक ही अवेलेबल है 3,999 रुपये में। तो अभी यार आप सोच रहे हैं तो सोचिए मत, बहुत कम समय बचा है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि बुद्धिमान वह है जो अपने अमूल्य जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करना जानते हैं। क्योंकि हर एक पल जो हमारा बीत रहा है, उसमें हम मरने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा अंत, हम सब का अंत मृत्यु है, और उस मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए एक एक क्षण जो हमें मिला है, उसका मैक्सिमम यूज़ करना ही बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है। जो इस अमूल्य जीवन के क्षणों को ऐसे ही बिगाड़ देते हैं, उनको लाइफ में कभी कुछ मिल नहीं पाता है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत को हराकर कौन सा देश पहली बार क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप चैंपियन बना है, और ये बना है बांग्लादेश। प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, तीन उत्तर जो आपने पसंद किए। पहला उत्तर है बनवारी लाल बावरिया का, दूसरा उत्तर है दुष्यंत यादव का, तीसरा उत्तर है कमल सिंह का। आप तीनों को बधाई। आप चाहते हैं आपका नाम इसी प्रकार से यहां पर आए, कमेंट यहां पर आए, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है, तो यह सुषमा स्वराज के नाम पर। दूसरा प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस का मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। तीसरा प्रश्न, एयर इंडिया के प्रबंध और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह है राजीव बंसल। चौथा प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। पांचवा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहां स्थापित किया जाएगा, तो ये मुंबई में स्थापित होगा। वहीं छठवां प्रश्न है कि हाल ही में नौसेना के किस संस्थान को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए गए हैं, और ये INS शिवाजी को प्रदान किए गए हैं। सातवां प्रश्न है कि द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में हो रहा है। आठवां प्रश्न है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इसरो का एक संस्थान है, फर्म है, इसके चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये जी नारायण है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में बार्क ने BARC भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने किस नाम से हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, और ये भाभा कवच के नाम से किया। दसवां प्रश्न है कि पहली बार किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो ये मनप्रीत सिंह ने जीता है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन किया जाना है वो नई दिल्ली में किया जाना है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार क्या करने वाली है, नई दिल्ली में 21 फरवरी से 23 फरवरी 2020 के बीच में राष्ट्रीय जैविक भोज उत्सव इसका आयोजन करेगी, और ये अपने प्रकार का पहला उत्सव है। करीब 150 महिला उद्यमी इसमें भाग लेने वाली हैं, इसीलिए और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, 3 दिन तक इस फेस्टिवल का आयोजन करेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि दूसरा प्रश्न है कि किस देश की संसद ने उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो इसको मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी गई है उत्तरी मैसेडोनिया के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो उत्तरी मैसेडोनिया है, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ की संसद ने जो उत्तरी अटलांटिक संधि है, जिसको हम नाटो कहते हैं, उसको मंजूरी दे दी, और इसके बाद जो है अब नाटो का जो है उत्तरी जो मैसेडोनिया है वो नाटो का सदस्य बन सकेगा। अभी बना नहीं है, केवल उस देश की संसद ने मंजूरी दी है, अब इसकी प्रक्रिया आगे चलेगी। अभी जो नॉर्थ मैसेडोनिया है या उत्तरी मैसेडोनिया है, उसका पहले नाम सिर्फ मैसेडोनिया हुआ करता था, लेकिन ये मैसेडोनिया जो था पड़ोसी देश से
ग्रीस इस पर विरोध जताता था, क्योंकि ग्रीस के अंदर भी एक जगह है मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया ये वही जगह है जहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था सिकंदर। सिकंदर वहीं से आके जाके उसने विश्व विजेता बना था। तो कहते था मैसेडोनिया उनके यहाँ का है, फिर इन्होंने अपना नाम चेंज करके उत्तरी मैसेडोनिया कर दिया, फिर जाके वो विवाद समाप्त हुआ। नाटो की अब हम बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, जो कि बेल्जियम की राजधानी भी है, और आरंभ में 12 सदस्य थे नाटो में, अब इसकी संख्या जो बढ़कर 29 हो गई है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए मैं आपको उत्तरी मैसेडोनिया और ग्रीस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको ग्रीस और उत्तरी मैसेडोनिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में, और पश्चिम में जाएंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ग्रीस है जिसमें ये रेड कलर का जो आपको देश दिखाई दे रहा है, और इसी का एक राज्य है मैसेडोनिया जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है, राइट। और इसी की बगल में ये जो दिखाई दे रहा है ये मैसेडोनिया है, क्या है? ये मैसेडोनिया है, जिसका नाम चेंज करके अब नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि केंद्र सरकार की कब तक 1500 नई ट्रेनें चलाने की योजना है। तो केंद्र सरकार की योजना 2024 तक के लिए है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय रेलवे दोहरीकरण, यानी कि डबल लाइनें बिछाई जा रही हैं, विद्युतीकरण किया जा रहा है लाइनों का, जो रेल की पटरियां हैं, अमान परिवर्तन और नई लाइन बिछाना, इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इनसे अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है, राइट। और ये काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा देश में कम 1500 नई ट्रेनें चलेंगी, और इन 1500 में से करीब 150 ट्रेनें ऐसी होंगी जो निजी ऑपरेटरों को जिनको दिया जाएगा। वर्तमान में 3 निजी ट्रेनें चल रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 2 तेजस के नाम से, 1 काशी महाकाल एक्सप्रेस के नाम से, और बाकी गाड़ियां रेलवे चलाएगा। 150 के अलावा जितनी भी गाड़ियां होंगी वो रेलवे ही चलाता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि ऋषि सुनक किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक जो बन गए हैं वित्त मंत्री, ब्रिटेन के, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री का पद इन्होंने संभाल लिया है, और इसी मंत्रिमंडल के अंदर जो बोरिस जॉनसन है वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्हीं का मंत्रिमंडल है। आलोक शर्मा, ये मंत्रिमंडल में कारोबार मंत्री भी इनको नियुक्त किया गया है। तो ऋषि सुनक और आलोक शर्मा, ये आप याद रखेंगे। जो ऋषि सुनक हैं वो इन्फोसिस के सह संस्थापक राम राव नारायण मूर्ति, यानी कि नारायण मूर्ति साहब जो है उनके दामाद हैं। आगे बढ़ेंगे, बात ब्रिटेन की करेंगे। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री यहाँ की बोरिस जॉनसन है, और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। अभी हाल ही में ब्रेग्जिट हुआ था, यानी कि 31 जनवरी को जो यूरोपीय यूनियन है उससे ब्रिटेन अलग हो गया है। मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो ब्रिटेन एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, यही यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप देखेंगे तो लंदन है। इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में जो है वो इंग्लिश चैनल है, जिसको आपने सुना होगा कि फलाने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया है, तो ये वही जगह है इंग्लिश चैनल। तो ऊपर इंग्लैंड है और नीचे की तरफ फ्रांस है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं अतुल कुमार गुप्ता, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हैं अतुल कुमार गुप्ता, और ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और इन्होंने स्थान लिया है प्रफुल्ल छाजेड़ का। तो ये आपको याद रखना कि प्रफुल्ल छाजेड़ की जगह पर ये बनाए गए हैं। निरंजन जम्बूसरिया, ये जो है 2020-21 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, इसके उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की, जिसका नाम रखा गया 2MASS या 2MASS 11157919B। तो ये इस ग्रह का नाम रखा गया, इसकी खोज की है, और इसकी खोज की गई है रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, RIT। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT, इसके वैज्ञानिकों ने अभी तक के खोजे गए किसी भी अन्य निकटतम ग्रहों की तुलना में, याद रखना जितने भी ग्रह खोजे गए हैं उन सब ग्रहों में सबसे पास के ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के करीब एक नवजात विशाल ग्रह, नवजात मतलब ये ग्रह थोड़े दिन पहले, थोड़ा दिन का मतलब है कई साल, लाखों साल होंगे, लेकिन जो पूरा स्केल है जैसे पृथ्वी जितनी पुरानी उसके अनुपात में काफ़ी नया ग्रह है और काफ़ी बड़ा ग्रह है।
इस ग्रह का नाम मैंने आपको बता चुका, टू मास 1155-7919 बी रखा गया है। और ये ग्रह हमारे सौरमंडल से केवल 330 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये आप याद रखेंगे, केवल लग रहा है लेकिन काफ़ी दूर हो जाता है, 330 प्रकाश वर्ष, लेकिन जो ब्रह्मांड के स्केल पे आप देखोगे तो ये काफ़ी पास है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि सातवां प्रश्न है कि अंटार्कटिका में पहली बार कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। तो अंटार्कटिका में अभी हाल ही में 9 फरवरी को 20 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस तापमान है वो दर्ज किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने कहा है कि अंटार्कटिका में पहली बार 20.75 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है, और ये इतिहास में अंटार्कटिका में सबसे अधिक दर्ज तापमान है। इससे पहले जनवरी 1982 में अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा 18.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। और ये जो तापमान दर्ज किया गया है, उच्च तापमान, इसका कारण अल नीनो और समुद्री जो गर्म जलधाराएं हैं उनके प्रभाव को माना जा रहा है। लेकिन ये पर्यावरण के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में विश्व के ताजे पानी का करीब 70% हिस्सा मौजूद है, और ये बर्फ़ के रूप में है। और ये बर्फ़ अगर पिघल जाती है तो जो वैश्विक का समुद्र स्थल है वो करीब 50 से 60 मीटर की इसमें वृद्धि हो जाएगी, और इसका नुकसान ये हो सकता है कि कई सारे शहर इसमें जो है जलमग्न हो जाएंगे, जो कि समुद्र किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, आठवें प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में किस पद्मश्री सम्मानित फैशन डिज़ाइनर का निधन हो गया है। तो इनका नाम है वेंडेल रॉड्रिक्स, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिज़ाइनर, और 2014 में इनको पद्मश्री दिया गया था, इनका निधन हो गया, वेंडेल रॉड्रिक्स इनका नाम है। और 2015 में फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनको सेविलियर डी लॉड्रे डी आर्ट एट लेटर्स, ये अवार्ड है वहाँ का, फ्रांस का, ये भी प्रदान किया जा चुका है। 59 वर्ष की इनकी उम्र थी। आगे बढ़ेंगे, नवे प्रश्न की बात करेंगे कि किसने प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार जीता है। तो ये डेन डेविड पुरस्कार इसराइल के द्वारा दिया जाता है, और ये पुरस्कार जीता है भारत की गीता सेन ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की गीता सेन, इनको प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार मिला है, और गीता सेन जो है वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निर्देशक हैं। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन स्वास्थ्य और निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है लैंगिक समानता की श्रेणी में ब्राज़ील की देबोरा दिनीज के साथ में, दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है वो तेल अवीव, इसराइल के अंदर तेल अवीव विश्वविद्यालय, वहाँ का ये विश्वविद्यालय, उसके द्वारा डेन डेविड फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार एक परोपकारी और बिजनेसमैन डेन डेविड के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये आप याद रखेंगे, डेन डेविड पुरस्कार किस देश का है, तो ये इसराइल का है। आगे बढ़ेंगे, दसवें प्रश्न की बात करेंगे कि यूएई के अगले क्रिकेट निदेशक कौन होंगे। तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके अगले जो क्रिकेट निदेशक होंगे वो रॉबिन सिंह होंगे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर रॉबिन सिंह, इनको यूएई ने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपना नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है, और इनकी नियुक्ति जो है की गई है डगलस रॉबर्ट ब्राउन के स्थान पर। तो ये आप याद रखेंगे, वहाँ के अभी तक के कोच थे तो उनको हटा दिया गया, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। ये तो थे आज के हमारे करंट अफेयर के पूरे प्रश्न। बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि संयुक्त सेना अभ्यास अजय वॉरियर 2020, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, क्या शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी परीक्षा उपयोगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिनका उत्तर आपको पसंद आता उनके उत्तर को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।